अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम तनवीर इकबाल, टीचर बॉयज हाई स्कूल शाटीगंज। टुडे आई विल डिलीवर अ लेक्चर फॉर सेवन्थ क्लास, सब्जेक्ट सोशल साइंस एंड इट इज़ द हिस्ट्री विच वी विल स्टार्ट टुडे। वी विल मूव ऑन टू द लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11। यू प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 155। वी विल डिस्कस मिडिवल कश्मीर, यानी द चैप्टर इज मिडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एज वेल। यू प्लीज ओपन द टेक्स्ट बुक, वी विल स्टार्ट रीडिंग एंड स्टडिंग दिस। ये बोलता है कि लोहारा रूल जो 1003 से 1328 CE तक, इसमें बहुत से कन्फ्यूजन थी, प्रॉब्लम्स थी, पब्लिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा था कश्मीर में, तो क्योंकि वीक पॉलिटी थी, जंग हो रहे थे, सेंट्रल एशियन से बहुत सारी इन्वेजनस हो रही थी, मुग़ल आ रहे थे, वो क्या बोलते हैं बुलबुल शाह, और उसके बाद आ रहे थे वो बाकी चीज़ आ रहे थे, चाइना से आ रहे थे, मंगोल्स आ रहे थे, बाकी आ रहे थे। तो मेन चीज़ उसमें था दुलचूज इन्वेजन था अर्ली 14th सेंचुरी में। तो दुलचू के बाद रिंजना जो लद्दाखी प्रिंस था उसने अपने आप को डिक्लेयर किया एज रूलर ऑफ कश्मीर, कश्मीर का बादशाह डिक्लेयर किया 1320 में। तो उसने सैयद शरीफुद्दीन था जो सूफी सेंट था जिसका नाम था बुलबुल शाह। बुलबुल शाह आपने बहुत सारा सुना होगा, गानों में भी सुना होगा, हिस्ट्री में सुना होगा, घर वालों से सुना होगा, बुलबुल शाह का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। उसका नाम था सैयद शरीफुद्दीन। उसके आने से जो ये था, ये क्या बोलते हैं रिंचना था, प्रिंस था, उसने इस्लाम कबूल किया, ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम। इसके इन्फ्लुएंस होने से, बुलबुल शाह के इन्फ्लुएंस होने से, बुलबुल शाह का नाम बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा। तो इस्लाम के होने से, इस्लाम के एक्सेप्ट होने के बाद उसने नाम रखा सदरुद्दीन एंड बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। यानी कश्मीर का सबसे पहला मुस्लिम बादशाह कौन था, सदरुद्दीन था, यानी जो था ये रिंचना था। रिंचना के डेथ के बाद उसकी जो बीवी थी कोटा रानी, उसने उदयाना देवा से शादी की। जो कोटा रानी, तो ये बन गई रूलर। कोटा रानी उसका नाम था, वो बन गई बादशाह, रानी बन गई। बट उसको शाह मीर की तरफ से बहुत ज़्यादा जंग का सामना करना पड़ा, रेजिस्टेंस उसको ही शाह मीर की वजह से। तो 1339 में जंग हुआ, उसने हारा। तो उसके बाद जो ये था, ये शाह मीर के नाम जो था, उसने सुल्तान शमसुद्दीन शाह मीर अपना नाम रखा। तो उसने सुल्तान का ये लकब हासिल पाया, तो सुल्तान का रूल शुरू हो गया कश्मीर में। इसका नाम भी बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने टेक्स्ट बुक में, गानों में, अपने बाप दादाओं से सबका नाम सुना होगा शाहमीरी। अभी भी बहुत सारे इलाकों का नाम शाहमीरी है, या शाहमीरी डायनास्टी आपने सुना होगा, शाहमीरी डायनास्टी। शाहमीर ने 1514 तक, यानी 1339 से 1540 तक, 200 साल आलमोस्ट उसने सुल्तान का काम किया। तो उसमें सबसे ज़्यादा 200 साल में सबसे ज़्यादा जिसने काम किया वो था ज़ैनुल आबिदीन, जिसका नाम ज़ैनुल आबिदीन बड़शाह हो गया, बुड़शाह, द ग्रेट सुल्तान। अगर मैं आपको इस वक्त दिखाऊं, ये जो है उधर जो बोई आपको दिख रही है ना, उधर जो बोई वो है दिख रही है, उसके नीचे एक पत्थर है, उसका फ़ोटो मैं आपको ज़रूर सेंड करूँगा। इसको बोलते हैं बड़शाह खन। क्या बोलते हैं? बड़शाह खन। ये बोलते हैं कि जब बादशाह आता था रोड पे, पैदल आता था, घोड़े पे आता था, इधर वो नमाज पढ़ता था, या वो थकन जब महसूस करता था तो वो उधर ढाप लेता था, तो आराम करता था थोड़ा सा। जैसे कश्मीर में हर जगह है, यहाँ ज़ियारत है, यहाँ आस्थान है, जब ये सोफी अच्छे अच्छे लोग आते थे, बुज़ुर्ग आते थे, तो ये कहीं बैठते थे, आराम के लिए बैठते थे, नमाज भी पढ़ते थे। तो उधर उधर हमने वो आस्थान बनाए हैं, तो ऐसे ही यहाँ बादशाह खन है। तो बादशाह का नाम बहुत ज़्यादा मशहूर है कश्मीर में, इसने लॉ एंड आर्डर का बहुत सारा काम किया, तो प्रॉस्पेरस रीजन बनाया। एग्रीकल्चर का उसको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर था, तो
उसने बहुत सारी नहरें खोदी, बहुत सारे दरिया बनाए। अगर मैं आपको फ़ोटो भी दिखाऊँ, मेरे पास मैं इस लाइव आपको दिखाऊँगा फ़ोटोज़। लाल कोल है हमारे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, लाल कोल है हमारे यहाँ, एक कोल है जो बराबर कुपारा आस पास से निकलती है तो यहाँ जनगीर में वो ख़त्म हो जाती है। तो वो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर को सफाइस करती है, एग्रीकल्चर इरीगेशन को सफाइस करती है। तो श्रीनगर में आपने भी सुना होगा बर्चा चौक है, बर्चा ब्रिज है, ऐसे ऐसे उसने बहुत सारी कैनाल्स बनाई हैं। तो ये फ़ोटो आपके पास जो है टॉम ऑफ जनरल अबिदीनस मदर। तो उसके बाद हम आर्ट्स एंड क्राफ्ट की बात करेंगे और एग्रीकल्चर की बात करेंगे। क्लास ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, तो ये आपके लिए इंट्रोडक्शन है। तो क्योंकि जैनुल आबिदीन जो था, जैन उसके सामने जो है, तो ये हमारे आसपास जो सगीपोरा, जालोरा, डंगरपोरा, बुमाई, तुजर, सिलू तक, इसको बोलते हैं जैनगीर। क्या बोलते हैं? जैनगीर, यानी जैन के नाम से ये भी मशहूर है। तो जैनगीर कैनाल एक इतनी बड़ी कैनाल है जो बांडीपोरा से होते होते यहाँ जैनगीर तक पहुँचती है, वो सब इलाके को सैराब करती है। तो वो बहुत ज़्यादा इरिगेशन को सफाइस करती है। तो वो जैनगीर कैनाल है, आज भी वो जैनगीर कैनाल बांडीपोरा, वटपोरा, ओपोरा के वनगाम से आसपास निकलती है। बहुत ज़्यादा फ्लो है उसमें, अच्छे हिसाब से बनी है। तो आजकल भी लोग उसमें नहाते भी हैं, इरिगेशन भी सप्लाई करती है, पानी भी पीते हैं, बहुत ज़्यादा साफ़ है वो। इतना बवाह होता है उसमें कि उसमें अगर कोई बच्चा या बड़ा गिर जाएगा उसका मुश्किल होता है वापस वहाँ से वापस निकलना, इतनी ज़्यादा अच्छी कैनाल है वो। तो यहाँ जैनगीर में उसने बहुत ज़्यादा इरीगेशन का सप्लाई किया था, वल्लूर से होते हुए टच वच हुआ था, तो आधी वो फेल हो गई, तो आधी बहुत ज़्यादा कामयाब है। इसका मतलब है तो जैनुल आबिदीन थे, उनको बहुत ज़्यादा था ये कि प्रॉस्पेरस रीजन बन जाए, कश्मीर प्रॉस्पेरस रीजन बन जाए। आर्ट्स एंड क्राफ्ट की तरह से उसको बहुत ज़्यादा था ये, कभी बोला जाता है कि संवार है, फेरन है, बाकी चीज़ें उन्होंने ही बनाई थी। तो कश्मीर के हर एक इलाके में उन्होंने इरीगेशन का जो है इरीगेशन सप्लाई, जो आजकल भी बहुत ज़्यादा परेशान है हम लोग, तो इरीगेशन की सप्लाई ए रिलेटेड भी उन्होंने उन दिनों इतना बहुत ज़्यादा काम किया था। मैं आपको बताऊंगा कि दरिया, कोई दरिया बनाना या कल खोदना या सर बनाने कितना काम होता। आजकल जैसे भी है वो दिन में उतना काम करता है जितना ये आदमी, अगर 100 आदमी होंगे एक साल में करेंगे वो एक दिन में काम करेगा वो जैसे भी। हमने सोचना है कि उन दिनों उनको कितना मुश्किल हुआ होता, जो दरिया बनाना है, कल खोदनी है, बाकी चीज़ बनाना है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि कश्मीर को उन्होंने प्रॉस्पेरस रीजन बनाने की कोशिश की थी, इसीलिए उनको बोलते हैं बादशाह, द ग्रेट सुल्तान बादशाह। तो ये फिलहाल इतना है आज के लिए। आप अच्छी तरह से पढ़ें और भी कहीं यूट्यूब वीडियो देखें तो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कश्मीर के बारे में। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, मास्क इस्तेमाल करो, सैनिटाइजर इस्तेमाल करो, तो अपनी हालत को बचाओ।